सीट कवर कितनी बेहतरीन लगी ऑरेंज कलर में, बिल्कुल कहा जाए तो बेहतरीन कंडीशन में आपको मिलने वाली स्कॉर्पियो S10 2017 मॉडल ZLX है, सबसे टॉप मॉडल है। एक्सीडेंटल नहीं होगी, घर से वापसी हो जाएगी अगर एक्सीडेंटल है तो। हम लोग खुद पैसा लगा के लेते हैं इसलिए एक्सीडेंटल कोई गाड़ी नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ लाल बाग में, मतलब सागर कार बाज़ार में। तो स्टॉक के बारे में बात करें तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सेगमेंट की गाड़ी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्कॉर्पियो दिखाने वाला हूँ। तो और भी बहुत सारी गाड़ी होगी, तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बुलाते हैं उनको जो हम लोग को सारी गाड़ियों के बारे में वन बाई वन करके फुल डिटेल देने वाले हैं। हेलो भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? अनुभव वाजपेयी। अनुभव वाजपेयी जी। अच्छा, आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बड़े सेगमेंट की गाड़ी दिखने वाले हैं। बड़े भी है, छोटी भी है, लग्जरी भी है। बड़ी छोटी और लग्जरी, जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी मिल जाने वाली है जी। अच्छा, तो कौन कौन सी गाड़ी होगी अपने पास? ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, हर तरीके की SUV है। मतलब कौन कौन सी? स्कॉर्पियो हो गई, ब्लोरो हो गई, इको स्पोर्ट हो गई, स्टॉर्म हो गई, जिप्सी हो गई जी, वरना हो गई। अच्छा, जिप्सी भी होगी जी। अच्छा, स्टार्टिंग रेट के बारे में बात करें तो आज की वीडियो में क्या स्टार्टिंग रेट होने वाला है? 2,10,000 रुपये से स्टार्टिंग। अच्छा, 2,10,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। जिस जो प्राइस आप बताएंगे वो निगोशिएबल हो जाने वाला है उसमें? बिल्कुल, फिक्स प्राइस तो किसी भी गाड़ी में नहीं है ना? फिक्स प्राइस है। अच्छा, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भाई बेल आइकन को तो प्रेस करना बनता ही है। तो अनुभव भाई, सारी गाड़ियों के बारे में वन बाय वन करके फुल डिटेल देने वाले हैं, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आइए बड़ी गाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। बड़ी गाड़ियों, सबसे पहले बड़ी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे तो स्कॉर्पियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले थोड़ा सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय करिएगा, उसके बाद देखते हैं कार कितने किलोमीटर चली, कौन से ईयर का मॉडल है और भी बहुत कुछ। तो अनुभव भाई, सबसे पहली गाड़ी हमारी स्कॉर्पियो होने वाली है, मॉडल के बारे में बात करें तो 2014 मॉडल है, डीजल वेरिएंट है। अच्छा, 14 मॉडल डीजल वेरिएंट है। डीजल में क्या माइलेज दे देती होगी? डीजल में इसका रहेगा 12+ का। 12+ का जी। और हाईवे पर? हाईवे पे देगी है 14 करीब। अच्छा, और लखनऊ नंबर गाड़ी है, किलोमीटर कितनी चली होगी? 88,000 चली है। 88,000 किलोमीटर चली है, जेन्युइन चली है जी। अच्छा, और ये जो पेंट है वो ओरिजिनल है कि कुछ करवाया है? पेंट है, अगला पिछला बम्पर पेंट हुआ है बस, वो भी स्क्रैच गैप करने के लिए। टायर की कंडीशन देख लीजिए, टायर पूरे 80% है। अच्छा, पूरे 80, मतलब नए टायर लगे थे जी। अच्छा, डिमांड बता दीजिए, उसके बाद इंटीरियर देखते हैं। इसकी 8,30,000 रुपये। 8,30,000 जिसमें ऑन टेबल आप निगोशिएट कर देने वाले? बिल्कुल निगोशिएट हो जाएगा। अच्छा, तो इंटीरियर देखते हैं पहले। इंटीरियर में इसके क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? एयरबैग हो जाएगा। एयरबैग कितना होगा? दो एयरबैग होगा। सीट कवर तो लेदर की लगी हुई है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी में कुछ भी अलग से करवाया है आपने? नहीं, अलग से कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी अलग से नहीं करवाया? अच्छा, चारों पावर विंडो इसमें मिलता है। म्यूजिक सिस्टम की भाई कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम है जो कि कंपनी से लगी हुई है। अच्छा, कितने सीटर गाड़ी होगी? 7 सीटर।
अच्छा, गाड़ी की कंडीशन या भाई बहुत बढ़िया मिलने वाली है। स्कॉर्पियो S8 है। अच्छा, स्कॉर्पियो S8 है जी। ये देखिए स्कॉर्पियो S8 का यहाँ टैग मिल जाने वाला। ये देखिए भाई पीछे से कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। तो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। ठीक है, अपनी स्कॉर्पियो है। अच्छा, नेक्स्ट गाड़ी भी आप स्कॉर्पियो दिखाने वाले। ये कौन सा स्कॉर्पियो है? 2019 मॉडल S3 डीजल वेरिएंट। अच्छा, डीजल वेरिएंट है। 78,000 किलोमीटर चली हुई है ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल चली है 78,000। अगला पिछला बम्पर इसका पेंट हुआ है जी, बाकी और कुछ नहीं है। टायर इसके 80% मिलेंगे आपको, गाड़ी में 1 रुपए का काम नहीं कराना। अच्छा, कुछ भी नहीं करवाना। अच्छा, कितने किलोमीटर चलाने के बाद सर्विसिंग कराएंगे? ये कम से कम 15,000 किलोमीटर तक। 15,000 किलोमीटर जी। अच्छा, गाड़ी की भाई कंडीशन देख सकते हैं। ये देखिए लखनऊ नंबर में आपको मिलने वाली, इधर से आप कंडीशन देख सकते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड है इसीलिए दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन पीछे से दिखाता हूँ भाई। उसके बाद डिमांड जानते हैं, उसके बाद इंटीरियर देखते हैं। ये देखिए भाई स्कॉर्पियो S3 है ये। तो इसका डिमांड क्या रखा है आपने? इसकी 9,60,000 रुपये जो कि ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगी। अच्छा, 9,60,000 रुपये इसमें भी नेगोशिएबल हो ही जाने वाला है। अच्छा, इंटीरियर देख सकते हैं भाई। इसमें पावर, चारों पावर विंडो इसमें मिलने वाला है। चारों पावर विंडो मिलेंगी। एयर बैग इसमें नहीं होगा? इसमें एयर बैग नहीं होगा, S3 है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम ये सब कुछ कंपनी फिटेड है जी जी। और लेदर की सीट कवर मिलने वाली। ये सीट कवर कंपनी की है कि अलग से करवाया है? ये अलग से लगवाई गई है। अच्छा, अलग से। गाड़ी की भाई कंडीशन देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन कंडीशन में। अच्छा, किलोमीटर आपने क्या बताया था? 78,000 जो कि ऑन रिकॉर्डेड। ऑन रिकॉर्डेड कोई मीटर बैक। टायर की कंडीशन 80% है। अच्छा, 80% टायर बचा हुआ है जो कि केट का टायर है। ये देखिए भाई बहुत बेहतरीन गाड़ी है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो भाई नेक्स्ट गाड़ी भी हमारी स्कॉर्पियो होने वाली है। कौन सी है स्कॉर्पियो? 2014 मॉडल S10। S10 है। UP65 नंबर है। 86,000 किलोमीटर चली। अच्छा, UP65 कहाँ का नंबर होगा? बनारस का। बनारस का नंबर है। अच्छा, और किलोमीटर कितनी चली है? 86,000। पूरी पेंट ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल पेंट पे। अच्छा, कुछ भी अलग से करवाया है? अगला पिछला बम्पर हुआ है पेंट बस। बस जी। अच्छा, इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? इसमें एयर बैग मिल जाएगा, पावर विंडो मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा, कंपनी फिटेड टच स्क्रीन। अच्छा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। S10 है, टॉप मॉडल गाड़ी है। इधर थोड़ा कंजेस्टेड है। ये देखिए भाई इधर से कंडीशन देखिए गाड़ी की, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। और S10 है। और इसका डिमांड क्या रखा है आपने? 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए इसमें भी ऑन टेबल आप नेगोशिएट कर देंगे? बिल्कुल नेगोशिएट कर देंगे ऑन टेबल। अच्छा भाई, मैं आपको पीछे से इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखिए भाई सीट कवर कितनी बेहतरीन लगी है ऑरेंज कलर में। और ये देखिए भाई बहुत बेहतरीन कंडीशन में सीट कवर, बिल्कुल भी गंदी नहीं है। बिल्कुल कहा जाए तो बेहतरीन कंडीशन में आपको मिलने वाली स्कॉर्पियो S10, बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो भाई स्कॉर्पियो के बाद अब हम लोग दिखाने वाले हैं बोलेरो जी। मॉडल के बारे में बात करें तो 2017 मॉडल ZLX है, सबसे टॉप मॉडल है। अच्छा, सबसे टॉप मॉडल है। 84,000 किलोमीटर चली हुई है। 84,000 किलोमीटर चली, जेन्युइन चली है जी, जेन्युइन चली। अच्छा, पेंट ये सब इसका ओरिजिनल होगा? सब ओरिजिनल है, अगला पिछला बम्पर हुआ है बस। अच्छा, अगला पिछला बम्पर हुआ है और सब कुछ ओरिजिनल है। इधर से देख सकते हैं भाई बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। टायर इसका? टायर इसके 70% है। 70% टायर इसका बचा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए भाई इधर डिटेल भी लिखी हुई है गाड़ी की। गाड़ी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में। क्यों भाई जी? बिल्कुल। डीजल में होगी कि पेट्रोल में? डीजल ही में आती है बोलेरो, डीजल में है, टॉप मॉडल ZLX। अच्छा, माइलेज क्या आ जाता होगा इसका? माइलेज इसका 15+ रहेगा। 15+ जी। अच्छा, हाईवे पे थोड़ा बढ़ जाता है जी। अच्छा, डिमांड बता दीजिए, उसके बाद पीछे से गाड़ी दिखाते हैं, उसके बाद इंटीरियर दिखाएंगे। 6,45,000 रुपये है जो कि ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। 6,45,000 जिसमें ऑन टेबल आप नेगोशिएट कर देने वाले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर से भाई गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। और अब पीछे से दिखाते हैं, उसके बाद इंटीरियर देखते हैं। ये देखिए भाई बहुत बढ़िया स्कॉर्पियो ZLX। भैया
ये बताइए इसका स्टेफनी जो है हाँ। वो यूज़ हुई कि नहीं? नहीं यूज़ तो नहीं हुई है, जब भी ये ज़रूरत हुई होगी तभी यूज़ होगी, बाकी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाता है? इंटीरियर में उसको चारों पावर विंडो मिल जाएंगी आपको, एयरबैग नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, इसमें एयरबैग नहीं होगा। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, लेदर सीट कवर्स मिल जाएंगे जी। और ये भी सेवन सीटर गाड़ी होगी? जी, सेवन सीटर गाड़ी है, पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन में सब गाड़ियाँ रहती हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ भी अलग से तो करवाया नहीं है? नहीं, नहीं अलग से कुछ नहीं करवाया। अच्छा, इसका डिमांड क्या बताया था आपने? 6,45,000। अच्छा, 6,45,000, जिसमें ऑन टेबल नेगोशिएट तो हो जाने वाला है। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो अनुभव भाई, नेक्स्ट गाड़ी हमारी सफारी स्टॉर्म होने वाली है। सफारी स्टॉर्म वाइट कलर की है। वाइट कलर की है, डीजल फर्स्ट ओनर। अच्छा, डीजल वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर है, लखनऊ नंबर गाड़ी। किलोमीटर कितना चला होगा? 66,000 मात्र। 66,000 जी, 66,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी है। जेन्युइन होगा? जी, जेन्युइन होगा। और पेंट क्या सर? पेंट इसका अगला पिछला बम्पर हुआ है बस। अच्छा, अगला पिछला बम्पर हुआ है और सब ओरिजिनल है? जी, कुछ भी अलग से करवाया? सीट कवर ये सब कुछ सब ओरिजिनल? सीट कवर तो और मैटिंग तो हम लोग कराते ही हैं, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में करके देते हैं कस्टमर को। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ जितनी भी गाड़ी होगी इस ये गारंटी देते हैं कि एक्सीडेंटल नहीं होगी? एक्सीडेंटल नहीं होगी, घर से वापसी हो जाएगी अगर एक्सीडेंटल है तो। हम लोग खुद पैसा लगा के लेते हैं, इसलिए एक्सीडेंटल कोई गाड़ी नहीं। अच्छा, इसकी आप 100% गारंटी? किसी भी कस्टमर की गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करते हैं जी, कि जो कोई कस्टमर खड़ा कर दे बेचने के लिए, ये है वो है, उनसे कमीशन सेट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी खुद की खरीदी हुई गाड़ियाँ हैं जी, इस वजह से हर एक एक चीज़ चेक करके तब ली जाती है गाड़ी जी। तो इधर से भाई गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। टायर ये सब? सब 70% है। अच्छा, 70% टायर बचा हुआ है, न्यू लगा था क्या? जी। अच्छा, टायर देख सकते हैं भाई, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। और ये देखिए पीछे से EX वेरिएंट है जी, EX। डीजल में होगी कि पेट्रोल में? डीजल में आती है, डीजल में। डीजल में क्या माइलेज दे देती है इसका? माइलेज होगा 11+। 11+ जी। और हाईवे पे देगी ये 12। अच्छा, बाकी लोकल में जो है ये करीबन 10-11 का देगी। अच्छा, इंटीरियर में इसके चारों पावर विंडो मिलता है। और इसमें एयरबैग तो होगा नहीं? नहीं, एयरबैग नहीं होगा। सीट कवर देखिए भाई, ब्लैक कलर की सीट कवर लगी है, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। एसी हीटर सब कुछ इसमें मिलने वाला, एयरबैग इसमें नहीं होगा। और भाई ग्रास की मैटिंग की है, बहुत बढ़िया। यहाँ जितनी भी गाड़ी मिलने वाली है बहुत बेहतरीन कंडीशन में। अब इसके डिमांड बता दीजिए भाई, डिमांड आपने क्या रखा हुआ है? 5,10,000 रुपए है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। अच्छा, 5,10,000 जिसमें भी ऑन टेबल आप नेगोशिएट कर देने वाले हैं। पीछे की सीट कवर दिखा देते हैं एक बार। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे। पीछे की सीट कवर देख सकते हैं भाई, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। ये देखिए भाई, आप खुद ही देख लीजिए, बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एसी मिल जाएगा इसमें आपको? अच्छा, रूफ एसी मिल जाने वाला। अच्छा, इधर से भाई कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो भाई नेक्स्ट गाड़ी भी हमारी सफारी स्टॉप होने वाली है। अच्छा, लखनऊ नंबर गाड़ी, किलोमीटर कितना चला होगा? ये 78,000 चली हुई। 78,000 जेन्युइन चली है? जेन्युइन चली। अच्छा, ब्लैक कलर में मिलने वाली है और इसको वाइट कलर में भी मिलने वाली, जो मैंने दिखा दिया है। तो इसका किलोमीटर कितना होगा? 78,000 चली है, फर्स्ट ओनर डीजल गाड़ी है, 5,10,000 रुपये इसकी डिमांड है। अच्छा, 5,10,000 जिसमें भी ऑन टेबल आप नेगोशिएट कर देने वाले, जो हो जाएगा जी। 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है जी। EX वेरिएंट है? EX है। टायर की कंडीशन? टायर इसके 50% है। अच्छा, पेंट ये सब कुछ ओरिजिनल होगा? पूरी ओरिजिनल गाड़ी, इसमें अगला पिछला बम्पर भी नहीं हुआ। अच्छा, अगला पिछला बम्पर भी पेंट नहीं हुआ? नहीं। सब कुछ जो है सब ओरिजिनल है, इंटीरियर बॉडी लाइन से सब कुछ बस, बिल्कुल। अच्छा, और डीजल में होगी कि पेट्रोल में? डीजल में। डीजल में जी। डीजल में क्या माइलेज आ जाता होगा? यही इसका 11-12 का रहेगा। अच्छा, 12+ देगी हाईवे पे और बाकी 10-11 का इसका एवरेज रहेगा लोकल में। अच्छा, गाड़ी की भाई कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल पास से दिखाता हूँ भाई, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। और पीछे से देखिए, ये देखिए भाई। तो अब इसका इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर देख सकते हैं भाई, म्यूजिक सिस्टम देखिए भाई, डिस्प्ले वाला इसमें मिलने वाला है, एसी हीटर, चारों पावर विंडो, एयरबैग इसमें नहीं होगा। और सीट कवर देखिए भाई, बहुत बढ़िया। और जो है इसमें सब कुछ ओरिजिनल है, बहुत बढ़िया।
तो भाई एक और सफारी स्टॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि ब्राउन कलर में है। जी, ब्राउन कलर की। इसकी क्या डिटेल होगी? ये 4,70,000 रुपए इसकी डिमांड है। 4,70,000 रुपए इसका डिमांड है। मॉडल कौन सा होगा? 2013 मॉडल है। अच्छा, 2013 मॉडल। ये भी ईएक्स वेरिएंट है? ईएक्स वेरिएंट है। अच्छा, किलोमीटर कितना चला है? 91,000। 91,000 के अप्रोक्स चला है। अच्छा, इसका पेंट ये सब ओरिजिनल है? सब ओरिजिनल पेंट है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे। पूरी गाड़ी ओरिजिनल है और लखनऊ नंबर में आपको मिलने वाली है। और टायर, ये सब टायर इसके 80% है। 80% टायर है। डीजल में होगी कि पेट्रोल में? डीजल में। डीजल में क्या माइलेज आ जाता है इसका? 11-12 का एवरेज रहेगा। अच्छा, सिटी में हाईवे पे थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, इंटीरियर में इसके क्या क्या फीचर्स मिल जाएगा? इंटीरियर में लेदर सीट्स कवर मिल जाएगी, ब्रांड न्यू कंडीशन में मैटिंग मिल जाएंगी। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। एयर बैग होगा? एयर बैग नहीं होता, एयर बैग होता है। अच्छा, ईएक्स में एयर बैग होगा ही नहीं, वीएक्स में आता है। अच्छा, तो पीछे से कंडीशन दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, पीछे से कंडीशन बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। अब ये देखिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो भाई लास्ट गाड़ी हमारी लग्जरी सेगमेंट में कौन सी होने वाली है? ऑडी की। ऑडी। अच्छा, 4 छल्ले वाली जी। और इसका क्या डिटेल होगा? ये मैनुअल में है। अच्छा, चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, एयरबैग मिल जाएंगे आपको, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। किलोमीटर कितना चला है? ये चली है 76,000 के अप्रोक्स चली है। मॉडल कौन सा होगा? 2013, जिसमें फाइनेंस भी हो जाने वाला है। फाइनेंस हो जाएगी। अच्छा, गाड़ी की भाई कंडीशन देख सकते हैं भाई, लग्जरी सेगमेंट है जो कि वीआईपी नंबर में मिलने वाला जी, है। वीआईपी नंबर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। गाड़ी की भाई कंडीशन दिखाता हूँ भाई, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। इसके टायर का क्या मामला है? टायर इसके 80% 80% टायर बचा हुआ है जी। अच्छा, पेंट इसका ओरिजिनल होगा? पूरी ओरिजिनल पेंट पे। आगे पीछे बम्पर ये सब कुछ भी टचअप नहीं है, पूरी ओरिजिनल पे। अच्छा, पूरी ओरिजिनल पे है। भाई पीछे से कंडीशन देख सकते हैं भाई, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। ऑडी Q3। अच्छा, Q3 इसका वेरिएंट है जी। अच्छा, ये डीजल में होगी कि पेट्रोल में? डीजल में। डीजल वेरिएंट है जी। क्या माइलेज आ जाता है इसका? माइलेज रहेगा 15+। 15+ का जी। अच्छा, इसका डिमांड बता दिए, डिमांड आपने क्या रखा हुआ है? सिर्फ 8,75,000 रुपये में लग्जरी गाड़ी ऑडी। अच्छा, 8,75,000 रुपये में जी लग्जरी सेगमेंट की ऑडी मिलने वाली है। जब ये मार्केट प्राइस में इसका क्या रेट आता था? मार्केट प्राइस में कम से कम, अभी भी और कार बाजारों में या और जगह आप पता करेंगे तो 15-16 लाख रुपए से कम की नहीं है। अच्छा जी, लेकिन आपके यहाँ 8,00,000 में मिलने वाली है? 8,75,000। 8,75,000, जिसमें भी आप ऑन टेबल आप निगोशिएट कर देने वाले हैं। फाइनेंस भी हो सकती है। फाइनेंस भी हो जाएगी, 2013 मॉडल है तो फाइनेंस तो हो जाएगा। तो इसका इंटीरियर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्यों भाई? तो भाई इंटीरियर की आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। म्यूजिक सिस्टम देखिए भाई, डिस्प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलने वाला है। और भाई लग्जरी गाड़ी है, चारों पावर विंडो मिलने वाला है। देखिए भाई, स्टेयरिंग की कंडीशन बहुत बेहतरीन कंडीशन में। और ये देखिए भाई, सीट कवर बहुत बढ़िया। ये थी हमारी इस वीडियो की लास्ट गाड़ी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो भाई फाइनेंस का कुछ बता दिए, फाइनेंस के लिए क्या क्या लगने वाला है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अगर ITR फाइल करते हैं तो वो। अच्छा जी, और बस डॉक्यूमेंट्स ले आइए अपने। 2012 के बाद की जितनी भी गाड़ी होगी सब पे फाइनेंस हो जाने वाला है। एड्रेस बता दीजिए, कहाँ आना है? नवेल्टी पिक्चर हॉल, सागर कार बाजार। गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, गूगल मैप पे भी लोकेशन अवेलेबल है जी। अच्छा, और लालबाग जी? लालबाग। तो इन फ्यूचर यहाँ का और भी अच्छा अच्छा कलेक्शन हम लोग दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार विजिट करना बनता है। क्यों भाई? बिल्कुल विजिट करिए, बिल्कुल विजिट करिए। लग्जरी छोटे सेगमेंट हो, बड़े सेगमेंट हो, या फिर लग्जरी सेगमेंट की क्यों ना हो, अगर कोई गाड़ी अगर नहीं होगी, अगर कोई बंदा डिमांड करता है तो वो जो गाड़ी बोलेंगे वो गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, जो गाड़ी बोलेंगे वो गाड़ी मिल जाने वाली है। कोई गाड़ी नहीं है जो ना मिले। अच्छा, वो भी एक दिन के अंदर में? एक दिन नहीं, बस 10 से 15 मिनट के अंदर में। बहुत बढ़िया, 10 से 15 मिनट के अंदर में जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी आपको मिल जाने वाली है। क्यों भैया? तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।